स्कूल लाइफ कर तो दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी आई ऑडिबल और विजिबल? हेलो योगेश, वेलकम है आपका क्लास में। गुड इवनिंग। फर्स्टली कैन यू कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल और विजिबल? बिकॉज मुझे नहीं पता लग रहा है। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट हम लोग करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट पार्ट्स होते हैं, बाय पायल अग्रवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। मुझे तो एक्चुअली आज पता ही नहीं लग रहा है कि एम आई ऑडिबल और विजिबल। गिव मी अ मिनट। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। DPI स्टैंड्स फॉर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, इतना लेट आ रहा है क्या स्ट्रीमिंग? मैं बहुत डार्क दिख रही हूँ क्या? ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डॉट्स पर इंच आपका डीपीआई स्टैंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ दी फॉलोइंग डिवाइसेस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस? निम्न में से कौन से डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट दोनों कार्य कर सकती है? हाँ, डार्क दिख रहे हो। ओके, चलिए इसे भी इम्प्रूव करेंगे। डार्क दिख रही हूँ। संचार डिवाइस, कीबोर्ड, माउस और ट्रैक बॉल। ठीक है, सभी का आंसर ए आ गया है। बिल्कुल, संचार डिवाइस मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सीईटी 12 लेवल पर आया हुआ है ये। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखिए, प्रिंटर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इंक्लूड होता है, इसीलिए आपका इस वाले टॉपिक का पार्ट है। सो ड्रम, लेजर, डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स? थर्ड का बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, लेजर प्रिंटर। जॉयस्टिक मुख्य रूप से है डैश के लिए उपयोग की जाती है। स्क्रीन पर ध्वनि नियंत्रित करने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्टर एडर एंटर के लिए, टेक्स्ट एडर के लिए और प्रिंट टेक्स्ट के लिए। RCET 22 जनवरी 2023 को आया हुआ है ये। ठीक है, फोर का बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर गेमिंग के लिए आपका क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? आपका जॉयस्टिक यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर मिस्टेक है यहाँ पर, तो थोड़ा सा देख लेना। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है।
OMR का पूरा रूप ओनली मैग्नेटिक रीडर है, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। या बात करते हैं प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है। आपको क्या करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर की मिस्टेक है, सो थोड़ा सा देख लेना। स्टूडेंट्स क्लास को शेयर किया करो, अगर ये टाइम सही नहीं है तो हम किसी और टाइम पर ले लेंगे। एट का ए, ठीक है, बिल्कुल एट का ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल उपयुक्त है यहाँ पर। सो OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर नहीं होता, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर होता है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है, नहीं बिल्कुल गलत है। स्काइप पे हम वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। मैम सही टाइम है, ठीक है, पिक तो स्टेबल है, मतलब अच्छा, मतलब मैं मेरी इमेज नहीं दिख रही है प्रॉपर वे में। कितनी हमें अब दिख जाएगी, ठीक है। अब मैं डार्क भी नहीं दिखूंगी, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। कहाँ चले गए सभी, आप ठीक है, मेरा डार्क भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 9 का ए, निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है, RSCET एग्जाम 22 जनवरी 2023 को आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस, यूनिक सीरियल बस या यूनिक सिक्वेंशियल बस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। ए बी दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस। सॉरी, ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, यूनिवर्सल सीरियल बस, हाँ, ए ए नॉट ए बी, जिसका भी ए बी आ रहा था ना, ए बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डैश एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन डैश। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश में तथा प्रिंट गति को डैश में नापा जाता है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर आया हुआ है ये, पेजेस पर मिनट, पीपीएम, डॉट्स पर इंच, डीपीआई, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्रोमेटिक नंबर सीएन या रोटेशन पर मिनट आरडीएम। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स पर इंच या पेजेस पर मिनट। देन नेक्स्ट है आपका डीपीआई और आरपीएम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रिंट की प्रिंट गुणवत्ता की बात हो रही है और उसके बाद में प्रिंट गति को। 11 का ए, चलिए देखते हैं क्या होता है 11 का आंसर। ना सभी का ए आ रहा है, बिल्कुल, ये कौन है, धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में आपका क्या किया जाता है, प्रिंट की गुणवत्ता जांची जाती है, और अब बात करते हैं प्रिंट गति आपकी होती है पीपीएम, पेजेस पर मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। ना ना डी नहीं, सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ है। देखिए जितना आप आसान समझते हैं ना कंप्यूटर को, उतना आसान नहीं आता है, सबसे पहले ये बता दूं। अब देखिए ये कितना मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एग्जाम आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं आया है। ठीक है, पेज प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, 132 कॉलम प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स, ऑप्शन नंबर सी लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, देन इंपैक्ट प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स। ठीक है, 12 का, 12 की बात कर रही हूँ मैं। प्लीज मेंशन इट कि आप अगर क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है तो आप बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिख रहा है तो प्लीज उसी क्वेश्चन नंबर का मार्क करके फिर अपना आंसर करें। 12 का सी। ठीक है योगेश, अच्छे से पढ़ो, आईए की तैयारी कर रहे हैं आप। निम्न में से कौन सा एक उचित युग्म है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 132 कॉलम प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर है, बिल्कुल 132 कॉलम प्रिंटर आपका इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, ठीक है, इजी नहीं था, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो नहीं था ये, तो इसीलिए आपको जो प्रिंटर्स वगैरह है उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, जबकि ये तो ग्रेजुएशन लेवल पर आया। अब आप बताइए आईए की प्रिपरेशन जो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आपको प्रिंटर्स की नॉलेज नहीं होगी तो। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर होता है 132 कॉलम प्रिंटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रैक बॉल की तरह जॉयस्टिक, माउस की तरह पॉइंटिंग युक्ति है, युक्तियां हैं, डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं। सो बताइए क्या हो जाएगा ABC और D। आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आया था उसमें बहुत टफ आने वाला है, तो जूनियर अकाउंटेंट आप आया था तो जूनियर अकाउंटेंट में भी आप लोग उम्मीद मत कीजिए कि आसान आ जाएगा कंप्यूटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सभी प्लीज आंसर कीजिए, ए डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस, डिजिटाइजर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, यह एक असत्य कथन है, जबकि डिजिटाइजर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। ये किस में यूज आता है, ये स्पेशली कैड जो होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है जिसमें डिजाइनिंग का काम किया जाता है उसमें आपका ये यूज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? डिजिटाइजर, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आधारित युक्तियां और पॉइंट एवं ड्रॉ युक्तियां, 14 का बी। ठीक है भाई, पहले तो क्लास को शेयर करके आओ फिर कंटिन्यू करेंगे, मैं भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम जो है आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक डैश टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित देता है। ए डैश कन्वर्टर कन्वर्ट्स टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस, स्पीच सेंसर, स्पीच सिंथेसाइजर, कॉम्पैक्ट कन्वर्टर या वॉइस सिस्टम। गुड इवनिंग विनोद, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिल्कुल स्पीच सिंथेसाइजर जो है आपका टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउसकीपर एग्जाम में आया हुआ है 9 जुलाई को ये। ठीक है, 9 जुलाई 2022 में आया हुआ है ये थोड़ा सा कट गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे,
Which of the following is used by banking industries has large volume of checks, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंक उद्योग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है एंड अगेन पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है? डिजिटाइजर, MICR, बारकोड रीडर या कैप्च, ठीक है? 16 का बी, फुल फॉर्म बताइए MICR की। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। MICR की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, MICR आपके यूज आता है और MICR की फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। लेजर प्रिंटर, मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएंगे ये, ठीक है? ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर और चेन प्रिंटर। निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तभी आकर जा रहे हो बार बार। 17 का सी, ठीक है, बिल्कुल सही है 17 का सी। ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आपके क्या है? लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। निम्न का मिलान कीजिए। प्रिंटर फर्स्ट है आपका और सेकंड दे रखा है आपको, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, देन आपको प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण है ये मॉनिटर, कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन एवं प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त इनपुट उपकरण, कीबोर्ड पेपर पर प्रतियां बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण और लाइट पेन इनपुट उपकरण। आई थिंक इसके ऑप्शंस नहीं आए हैं, ठीक है, मैं ऑप्शंस दे देती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, तीन एक चार दो, बी सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4, डी हो जाएगा आपका नन 3, 1, 2, 4। एक सेकेंड, मिनट, एक ऑप्शन और, हाँ हाँ एक ऑप्शन और। यहाँ पे जो डी में नन किया है ना मैंने, इसको मैं कर देती हूँ 3, 1, 4, 2। क्या बता रहे हैं आप लोग, 3, 1, 4, 2। अच्छा मैंने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना ऑलरेडी। देखिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। प्रिंटर आपका क्या करता है, पेपर की प्रतियां निकालता है, तो 3 हो जाएगा इसका, ठीक है? इसका हो जाएगा मॉनिटर, आपको प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण है, तो ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कीबोर्ड क्या करता है? कंप्यूटर कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? ये 4 हो जाएगा और आपका, हाँ हाँ 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4 नहीं 3, 1, 4, 2, ठीक है। लाइट पेन आपका हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन एवं प्रदर्शन करने में इनपुट उपकरण, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है इसका, 3, 1, 4 और 2, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 3, 1, 4 और 2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम को करने में मदद करता है जबकि दायां बटन मेनू को डैश करने में मदद करता है। सॉरी फॉर दैट, सेलेक्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले सेलेक्ट, रीड राइट और राइट रीड।
19 का ए, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है 19 का ए, सेलेक्ट और डिस्प्ले। देखिए कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम को सेलेक्ट करने के काम आता है और जबकि दायां बटन मेनू को डिस्प्ले करने के काम आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर सिस्टम की निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस अधिकांश फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइन पेन, सॉरी लाइट पेन हो जाएगा, लाइन पेन नहीं होगा, लाइट पेन। देखिए कभी भी हिंदी में गलत होगा तो इंग्लिश में बिल्कुल सही होगा, सो इंग्लिश को मार्क कीजिए। ड्रीमर वेलकम है आपका क्लास में, और डिजिटाइजर। चलिए ड्रीमर आ गए हैं, ड्रीमर अब है ना आप अनअकैडमी पे जितनी भी क्लासेस होंगी आप वहां बता दीजिएगा कि यहाँ पर मैम पढ़ा रही है, तो अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं आकर के। ठीक है, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। ठीक है, 20 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल बी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड है ये, कंप्यूटर की बोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संबंधित, किस श्रेणी से संबंधित है? टाइपिंग कुंजियां, फंक्शन कुंजियां, कंट्रोल कुंजियां और स्पेशल पर्पस कुंजियां। मैम अब आप वहां क्लास नहीं लोगे क्या? नहीं ड्रीमर, अब मेरी क्लासेस यहीं पर हुआ करेंगी, वहां मेरी क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। ठीक है, 21 का डी बिल्कुल। देखिए आपका प्रिंट स्क्रीन जो कुंजी होती है, प्रिंट स्क्रीन जो बटन होता है या की होती है, बटन नहीं बोल सकते इसे हम, की बोलेंगे, जो की होती है आपकी, वो आपकी कहाँ पर होती है? स्पेशल पर्पस की होती है वो आपकी, जो कि आपकी प्रिंट जो आप मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है ना अभी, मैं उसको प्रिंट स्क्रीन फंक्शन की के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगी बटन की को तो आपका क्या आ जाएगा, ये इसका इस स्क्रीन का पूरा वो आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, जिसे आप कहीं भी पेस्ट करेंगे, जहां हम पेस्ट कर सकते हैं इमेजेस को, तो वहां आपका ये प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और माइकर। पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। देखिए सभी एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर तो आना ही आना है, टीचर में भी आता है आपका, टीचिंग वैकेंसीज जो है उनमें भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउस आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के साथ साथ हम बात करते हैं जॉयस्टिक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसके बाद में हम बात करेंगे जॉयस्टिक एज ए गेमिंग डिवाइस में काम आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका उसी का हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बोनस है आप लोगों के लिए। पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 16 मई 2022 में आया हुआ है। स्कैनर, मैम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की क्लास कब होगी आइए की? ठीक है, आपको सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की क्लास चाहिए, बिल्कुल हो जाएगी आपको, या तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा या लाइव सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डैश प्रिंटर भी कहा जाता है, पेन, टैप, बार और व्हील। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर हैं, हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, वैसे आप लोग सभी कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे पहले तो ये बताइए। ऑप्शन नंबर डी वेल। ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सूचना सहायक, हाँ आप, अच्छा सूचना सहायक, अच्छा आइए की, हाँ बिल्कुल राजस्थान पुलिस बिल्कुल आएगा, राजस्थान पुलिस से, पुलिस कांस्टेबल का ही है ये। देखिए पुलिस वाले पेपर में इतना लेवल नहीं आएगा, बिल्कुल आपका लाइन प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए इसका फिजिकल डेट आ गई है, तो फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, बिकॉज फिजिकल ही आपका डिसाइड करेगा आगे कि आपका एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट। देखिए सभी में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, उनको सबको ये बता देना कि कंप्यूटर की टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, तो बिल्कुल हम लोग इस टाइम पर 7 बजे डेली ये वाली क्लास किया करेंगे। बस एक संडे को हम साइंस किया करेंगे, ठीक है? संडे को साइंस का मैराथन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दो टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे संडे को साइंस के, जो कि कल ही है। कंप्यूटर मॉनिटरिंग, मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। वीडियो डिस्प्ले टैब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेट टर्मिनेटर और वीडियो डिस्प्ले टेबुलर। 26 का बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 16th मई को आया हुआ है ये। प्रकाश उत्सर्जित डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब या गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। 27 का सी, बी। देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, कंप्यूटर मॉनिटर यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है? ओके, अब बी और सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैथोड रे ट्यूब हो जाएगी यहाँ पर। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करता है? तो वो कैथोड रे ट्यूब का यूज करता है, ठीक है? नो 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 नो, 27 का सी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स यूजेस डैश केबल और वीजीए केबल फ्रॉम कंप्यूटर एज देयर इनपुट सोर्सेस। अब अधिकांश प्रोजेक्टर की में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से डैश केबल या वीजीए केबल का उपयोग किया जाता है। एचडीएमआई और इथरनेट, PS2 या ऑडियो। बिल्कुल HDMI केबल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। मुझे लग रहा है शायद आप दो ही स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट ही देख रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? आए तो बहुत सारे स्टूडेंट थे क्लास में। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटो सेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटो सेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? ओके, ट्रैक बॉल इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ऑप्शन नंबर डी लाइट पैन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाइट पैन में होता है ऐसा, सही मिलान करना है आपको, ठीक है? आप लोग बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। इनपुट यूनिट दी हुई है आपको, यूनिट्स दी हुई हैं, डिवाइसेस और पार्ट्स दिए हुए हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट में आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमएम कंट्रोल यूनिट, स्कैनर, डीजी व्हील प्रिंटर। देखिए पुलिस कांस्टेबल में बहुत आसान, 2, 3, 1 बिल्कुल। पुलिस कांस्टेबल में आपके बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और आपके जो आईए में आएंगे उसका लेवल अलग होगा। देखिए इनपुट यूनिट आपकी स्कैनर हो जाएगा, ठीक है? आउटपुट यूनिट आपका हो जाएगा बिल्कुल 2, 3 और 1,
2B3C1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट अंत्य प्रयोक्ता को प्रस्तुत करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट प्रेजेंट्स टू द एंड यूजर, एंड यूजर को प्रेजेंट करती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट या स्टोरेज यूनिट? एंड यूजर को प्रोसेस करती है, इस चीज का ध्यान रखना, प्रेजेंट करती है कि इनपुट आउटपुट सी बी। यूनिट अंत्य प्रयोक्ता को प्रस्तुत करती है तो किस क्या होगा, आउटपुट यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट यूनिट। जिसे भी लग रहा है प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्रोसेसिंग, देखिए इनपुट आप देते हैं फिर प्रोसेस होता है फिर आउटपुट होता है, तो आउटपुट यूनिट ही तो होगी ना। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। Which of the following is not a type of mouse? निम्न में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस या हाइब्रिड माउस? देखो एक बार ढंग से। एक बात बताइए, लेजर माउस होता है बिल्कुल, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस भी होता है, लेकिन प्रकार होता है माउस का, पर हाइब्रिड माउस इसका प्रकार नहीं होता। बिल्कुल ड्रीमर का आंसर सही आया है। ठीक है, माउस का एक प्रकार नहीं होता है, तो हाइब्रिड आपका माउस का एक प्रकार नहीं होता। नहीं जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में डैश शिफ्ट कुंजी और डैश कंट्रोल कुंजी होती है। एक और एक, एक और दो, दो और एक और दो, दो, दो और दो। देखिए यहाँ पर कंट्रोल कुंजी और शिफ्ट कुंजी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में डैश मतलब कितनी शिफ्ट कीज होती हैं और डैश कंट्रोल कीज होती हैं। 34 का ए, प्लीज मेंशन इट, 35। ठीक है, एक और एक। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका डी, दो और दो कैसे हो सकती है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एक और एक, दो और दो कैसे हो सकती है मुझे इतना बताइए। देखिए कंट्रोल आपकी एक होती है और शिफ्ट आपकी एक होती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कंट्रोल और शिफ्ट, शिफ्ट की आपकी दो होती है। एक सेकेंड, बी नहीं, ए नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, रुकिए 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 रुकिए, एम आई रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। देखिए कंट्रोल की आपकी दो होती है और शिफ्ट की भी दो होती है। देखा होगा तो आपने, लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है। बिल्कुल योगेश, यू आर राइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। कैप्स लॉक कंट्रोल की मतलब सी से वो कैप्स लॉक माइंड में आ गया एकदम से। देखिए शिफ्ट आपके लेफ्ट साइड भी होता है, कंट्रोल आपके लेफ्ट साइड भी होता है कीबोर्ड में, और राइट साइड भी होते हैं दोनों चीज। तो बिल्कुल योगेश का आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। तो दो हो जाएंगे, एक लेफ्ट में शिफ्ट और एक राइट में कंट्रोल। ठीक है, एक लेफ्ट में शिफ्ट और एक राइट में, और एक राइट में कंट्रोल, राइट में कंट्रोल और एक लेफ्ट में कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों दो दो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई करना है कि सही या गलत को पहचानना है आपको। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। एक ट्रैक बॉल को नियमित माउस की तुलना में कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता हेतु होती है, इसीलिए यूजर के लिए संचालन हेतु अक्सर काम तनावपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां हो जाएगा। एग्रोनॉमिक कीबोर्ड यूजर की कलाई की समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किए गए, जो कि आमतौर पर कीबोर्ड पर लगातार दबाव बनाने के उपकरण विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा आपका। लाइट पैन के को कई ग्राफिक सिस्टम के साथ मानक पिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल कर किया जा सकता है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। क्या हो गया, क्लास तो चल रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। सो ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी का आंसर नहीं आया। 36 का डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? ड्रम प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। हार्ड कॉपी डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पर। 37 का ए, बिल्कुल 37 का ए ड्रम प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटर एक तरीके से आपका क्या है? हार्ड कॉपी डिवाइस है। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोनर का उपयोग डैश प्रिंटर में किया जाता है, इंपैक्ट, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। थर्टी एट का आंसर कीजिए, इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। ठीक है, 38 डी, बिल्कुल लेजर प्रिंटर जो होते हैं हमारे उनमें क्या यूज, सॉरी सी पे क्लिक हो गया, एकदम से वो हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर आपके हो जाएंगे। टोनर का उपयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। जय श्री श्याम शरद मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सही कॉलम का मिलान कीजिए, ए बी और सी आपके पास ऑप्शंस हैं, बताइए किसका कौन सा कॉलम सही हो जाएगा। मैं गाय नहीं रखती। हाँ, अब आपके आसपास भी अगर घर के आसपास गाय आएगी तो अब आप उसको भगा थोड़ी सकते हो, बताइए, भगा तो नहीं सकते ना। तो बस गाय हमारी माता है, अब हम उन्हें भगा नहीं सकते, उन्हें खाना खिलाएंगे फिर भेज देंगे, वो खुद से ही चली जाएंगी। 2 3 1, बिल्कुल सही है, 2 3 1। ऑप्शन नंबर ए बबल जेट प्रिंटर का हो जाएगा, यह स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का उपयोग करता है। सो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड हो जाएगा। लेजर प्रिंटर की हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 2 3 और 1, मतलब ये आपका एक ड्रम को धनात्मक रूप से चार्ज करने के लिए तप्त तार का उपयोग करता है, जिस पर बाद में एक लेजर प्रसार की जाती है जो उन क्षेत्रों में चार्ज को उलट देती है जहां हिट करती है, जहां हिट करती है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। यह स्याही स्प्रे के लिए पीजो नहीं हो जाएगा, ये एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कंप्यूटर जब भी पढ़ना हो ना एक बार उसका इंग्लिश जरूर देख लेना, बिकॉज कंप्यूटर में जो ट्रांसलेट होता है ना ये हिंदी में बहुत मिस्टेक्स आते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 3 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथन सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जब लाइट पेन की नॉक को मॉनिटर की स्क्रीन पर ले जाकर पेन बटन दबाया जाता है तो इसको फोटोसेल सेंसिंग स्क्रीन के लोकेशन का पता लगता है और सीपीयू को संबंधित सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट है आपका, चूंकि ट्रैक बॉल स्थिर होता है इसलिए इसे उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, बताइए कौन सा तो सही है और कौन सा क्या इसकी सत्यता होगी। फोर्टी का ए, योगेश का आंसर बड़ा जल्दी आ रहा है, क्या बात है। फोर्टी का बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लेजर प्रिंटर डैश को रूप में वर्णित किया जा सकता है,
लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर या कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी आप लोगों को सभी को। ऐसे ही क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, बिकॉज कंप्यूटर की क्लास आपकी डेली 7 बजे होगी। संडे को हम लोग मैराथन लिया करेंगे, किसका? साइंस का, 41 का सी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ 41 का करेक्ट हो जाएगा। पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस कांस्टेबल में भी इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो प्लीज अच्छे से पढ़ना। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? स्पीकर, डीएलपी प्रोजेक्टर, बारकोड रीडर या बबलेज प्रिंटर? बाकी स्टूडेंट्स के भी आंसर आ जाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रीमर, मुझे ये जानना है कि क्या यहाँ भी आपको वही प्रॉब्लम होता है क्या कि लाइक क्वेश्चंस बाद में आता है और आपका आंसर पहले आ जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारकोड रीडर, बिकॉज आप वहां आते थे तो आपको ये चीज पता है। सभी स्टूडेंट की शिकायत रहती थी कि मैम क्वेश्चन हमें बाद में दिखते हैं लेकिन ड्रीमर पहले ही आंसर कर देते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा है? ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लोग आंसर, मतलब आप लोगों की स्क्रीन पे और आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे शो हो रहे हैं ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में सही और गलत की पहचान कीजिए। लाइन पेन, ये लाइट पेन हो जाएगा अगेन, सॉरी लाइन पेन ही है ये तो, गिव मी अ मिनट, लाइन पेन। हाँ, लाइन पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटर डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश दुबराही पेन की मदद से वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार इसे। लाइन पेन इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द लाइट पेन। ये लाइट ही है, लाइन पेन कौन सा हो जाता है? लाइट पेन हो जाएगा ये, LIGHT, लाइट पेन है ये, ठीक है, लाइट सेंसिटिव पेन। देन हम बात करते हैं ट्रैक बॉल फंक्शन सिमिलरली टू ए माउस। ट्रैक बॉल एक माउस का है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 42 का, ठीक है। द कीबोर्ड हैज अ सेट ऑफ सेंट्रल कीज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड द स्क्रीन्स, ठीक है। अभी सिर्फ आप ही का आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट के आंसर का हम वेट करेंगे, बिकॉज इट इज अ टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो इन्हें बिल्कुल करेक्ट कीजिए प्लीज स्टूडेंट्स सभी। अच्छा, डी आप इस बेसिस पे कर रहे हैं कि सभी करेक्ट है, ओके। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डेटा कंपाइल करना, इनपुट डेटा रीड करना, इनपुट डेटा प्रोसेस करना या इनपुट डेटा लिंक करना? विच इज द करेक्ट? I didn't get your answers, so please answer कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डेटा रीड करना होता है आपका इनपुट डिवाइस का काम, ठीक है। प्रोसेस तो हमारा सीपीयू ही करेगा, ना सही नहीं होगा। देखिए, प्रोसेस हमारा सीपीयू करेगा, इनपुट डेटा को रीड करने का काम होता है हमारा, रीडिंग इनपुट डेटा हो जाएगा, कॉमन फंक्शन है आपका इनपुट डिवाइस का, ठीक है। प्रोसेस तो आपका सीपीयू करता है ना, ऑलवेज प्रोसेसिंग डिवाइस, इसीलिए उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन के रूप शुरू एप्लीकेशन को शुरू करती है? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, दो बार बाएं बटन पर क्लिक, तीन बार बाएं बटन पर क्लिक। सो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिए। ओके योगेश, डोंट वरी अबाउट इट, आपको सी की क्लासेस भी मिलेंगी जरूर। 45 का सी, ओके बिल्कुल 45 का सी हो जाएगा, दो बार बाएं बटन पर क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? इट्स टू रिपीटेड क्वेश्चंस बिकॉज बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, सो इस चीज का ध्यान रखना। मैकेनिकल माउस और कीबोर्ड, लाइट पेन और कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस और कीबोर्ड, या ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस। अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपका माउस या इनपुट डिवाइस में आपका पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यहाँ ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस आपके क्या हो जाते हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, बिल्कुल 42 का डी आ जाएगा, सभी का आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है? फोटो प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर, डाई सब लैमिनेशन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सब्लिमेशन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ स्पेशल प्रिंटर। सी, हाउ इज इट पॉसिबल सी? कोई बात नहीं, बट सी कैसे होगा? देखिए यहां पर आपने शायद नहीं देखा। ठीक है, फोटो प्रिंटर आपका क्या है, एक स्पेशल पर्पस प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके थर्मल वैक्स प्रिंटर, डाई सबमिलेशन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपके क्या है, स्पेशल पर्पस प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? इंकजेट प्रिंटर और एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलसीडी प्रोजेक्टर, डेजी व्हील प्रिंटर और एलईडी मॉनिटर। ठीक है, और बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? 49 का डी। ओके, चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 का डी, बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ड्रीमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को सभी को बताना कि यहाँ कंप्यूटर की क्लास हो रही है। ठीक है, लेजर प्रिंटर, सॉरी, निम्न में से कौन से प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं? लेजर प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। थैंक यू इन एडवांस। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, बबल जेट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिकॉज ये क्या है, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे, टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, फैट बैड स्कैनर, माइकर, क्यू आर कोड या ओसीआर।
ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 50D होगा तो ठीक है, पहले इसका आंसर कर दो फिर हम 50 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is used to convert text image to editable text? ठीक है, हम चेक कर लेंगे एक बार, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, टेक्स्ट इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में क्या कन्वर्ट कर सकता है, तो आपका ओसीआर करेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, नॉट द फैट बैट स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका जो होता है इमेज को कन्वर्ट कर सकता है एडिटेबल टेक्स्ट में। सो प्लीज, ना ना ना, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा? आई नो स्कैनर को देख करके शायद आप लोग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। चलिए अब इस पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं? देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके लेजर प्रिंटर हो जाएंगे, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो जाते हैं, आपके थर्मल प्रिंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बबल और डेजी व्हील बता दिया आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डी होगा। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। किधर गया पॉइंटर? बिल्कुल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपकी डी होगा, बिकॉज लेजर प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। टच स्क्रीन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ए भी सही है, बी भी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए सही, ए गलत है, बी सही है, और ए गलत है और बी भी गलत है। डी होगा। हाँ हाँ भाई, डी ही होगा, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की वहां बात हो रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए। बिल्कुल, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है आपका एक, यह सही है, बट ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए तो सही है और बी गलत हो जाएगा। क्या आप दो ही स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। एलसीडी मॉनिटर में सी का पूर्ण रूप है क्रिस्टल, कोर, कंसिस्टेंट या कॉन्स्टेंट? इसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा ऑन टेलीग्राम चैनल, विच इज PARPSC, और शायद मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, नहीं किया होगा तो मैं कर दूंगी। 53 का ए, बिल्कुल 53 का ए हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाता है। एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, सही मिलान करना है आपको मैग्नेटिक टेप, यादृच्छिक अभिगम स्मृति या रैम जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा ही हिंदी हो गया ये तो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेजर प्रिंटर और लाइट प्रिंट पेन। फिफ्टी फोर का आंसर कीजिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और वन? बिल्कुल, मैग्नेटिक टेप का आपका क्या है स्टूडेंट? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और वन। देखिए, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, लेजर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में हम बात करेंगे यादृच्छिक अभिगम स्मृति आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आंतरिक भंडारण हो जाएगा। और मैग्नेटिक टेप आपका क्या है? सहायक संग्रहण उपकरण है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4 और 1।
निम्न में से लास्ट क्वेश्चन है आज आपकी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कीजिए, सीआरटी डब्ल्यूएसआई इंटीग्रेशन सीपीयू या आईसीआर यह क्या है, मिलान करना है इसका भी आपको। इनपुट आउटपुट डिवाइस का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सो प्लीज मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग डेली क्लासेस में जरूर आएंगे। दो तीन चार एक, ओके, मतलब ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 है, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सीआरटी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल। WSI आपका हो जाएगा CMOS टेक्नोलॉजी है। CPU आपका क्या है, ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्ड है। इसके बाद में ICR की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। सो स्टूडेंट आई थिंक 10 क्वेश्चंस और बचे हैं शायद, एक बार हम देख लेते हैं। क्रिश वेलकम है आपका क्लास में, चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और है, 65 क्वेश्चंस लिए हैं शायद मैंने, ये भी कर लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मूव करेंगे। ठीक है, निम्न कथनों में राधे राधे क्रश, बहुत ही लेट ज्वाइन करते हो भाई क्रश, आप तो हमेशा का मैंने देखा है आपने लेट ही ज्वाइन किया है क्लास को, लाइक लास्ट क्लास में भी आपने ज्वाइन किया था जब लेट ही किया था, सो प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करो। ठीक है, 7:15 क्लास स्टार्ट हो जाती है, 51 और 55 राइट है मैम, 51 और 55 राइट है मैम, मैं समझी नहीं। नहीं, 56 पे मूव करते हैं, 56 का ए। ठीक है, ऑप्टिकल माउस इट सेंस लाइट टू डिटेक्ट मोशन, ट्रैक बॉल दिस इज टेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस एंड ईप्रोम इट कंटेन्स कैन बी इरेज्ड ओनली वंस। ठीक है, ए हो जाएगा 56 का, बिल्कुल ए हो जाएगा, मतलब आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन राइट है मेरे 55 से, अच्छा 55 में से, बहुत अच्छी बात है ये तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए, मस्त अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना इसी तरीके से, तो आपके 100% चांसेस है एग्जाम क्लियर होने के। ठीक है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर, कंप्यूटर स्पीकर, फ्लैट बेड स्कैनर और OMR। आउटपुट डिवाइस, ओके बिल्कुल OMR, बारकोड रीडर, बिल्कुल कंप्यूटर स्पीकर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, सी कैसे होगा भाई, फैट बेड स्कैनर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आपका इनपुट डिवाइस है, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर स्पीकर से आप क्या सुनते हैं, बाहर की साइड में आवाज आती है ना, गाने हम चलाते हैं लैपटॉप में कंप्यूटर में, लेकिन आवाज आपको कहाँ आती है, स्पीकर में, बाहर सुनाई देती है। ठीक है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 58 की, चार्ट ग्राफ CAD ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और बबल जेट प्रिंटर। भाई कम क्यों होते जा रहे हो, ऐसा ना करो, इनफैक्ट इंक्रीज होनी चाहिए क्लास में, स्टूडेंट्स की इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, 58 का ए। और मैं कहूं ये गलत है तो देखिए जरा आपका कॉन्फिडेंस कितना सही है। ना जी, ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे,
सही मिलान करना है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे पूरा पढ़ देती हूँ। ऑप्टिकल माउस एक स्थिर उपकरण पर लगी एक गतिमान गेंद जिसे उंगलियों का उपयोग करके अयांत्रिक मैनुअल रूप से घुमाया जा सकता है। डिजिटाइफाइड सॉरी सी ग्राफिक टैबलेट। अच्छा मतलब देखते ही आंसर आ गया 59 का। 59 का आंसर किया है कृष्ण ने कि 58 का किया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या करते हैं आप लोग सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हाँ क्या सही तो है। प्लॉटर पोस्टर बैनर होता है, प्लॉटर पंप प्लेट। बिल्कुल सही है। देखिए 59 का ए, बिल्कुल 59 का ए हो जाएगा ये आंसर। यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को करने में, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके मतलब लाइक इजीली हम जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता उनके लिए टिपिकल हो जाता है, बट जिसने पढ़ा हुआ होता है ना उसके लिए बिल्कुल टिपिकल नहीं होते हैं ये। ठीक है, और कई बार तो इतने आसान हो जाते हैं हमारे लिए कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट ही कर जाते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस की यहाँ बात हो रही है, सॉरी इनपुट डिवाइस की। डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर इनपुट डिवाइस कौन सा है। बिल्कुल 60 का ए आपका डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर आपको क्या आपके क्या है आउटपुट डिवाइस है। सही है बिल्कुल। ओके इट्स 60 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। मिलते हैं सेम टाइम पर कल 7:15 पर स्टूडेंट्स कंप्यूटर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप लोग सभी कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं। ऑलवेज खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, जितना अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे ना जितना खुश रहेंगे ना उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए गुड नाइट। पहले तो ये बताइए क्लास बिल्कुल अच्छी लगी आपको कि कैसी लगी। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर रिव्यूज बिकॉज इट्स माई फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था लेकिन बट वो बहुत छोटी क्लास थी, बट इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। ये बिल्कुल शायद 1 आवर से ऊपर की क्लास है। ओके मैम थैंक यू, अब रेगुलर रहूंगा। बिल्कुल क्रश आपको शेयर भी करना है क्लास को, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना है रीजनिंग। ओके मैम कल संडे को तो साइंस का बोल रहे हैं आप। हाँ कल देखिए क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, 7:15 आपका कंप्यूटर रहेगा और साइंस हम लोग एक्चुअली देखिए आपके मैं जूनियर अकाउंटेंट को बेस मान रही हूँ, जूनियर अकाउंटेंट की स्पेशली प्रिपरेशन करवा रही हूँ। जूनियर अकाउंटेंट एंड आपका जो पशु परिचर की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, सो प्लीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। पशु परिचर इन दोनों में आपकी साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर आपके बाकी सभी एग्जाम्स में है, तो साइंस और कंप्यूटर को मैं टारगेट कर रही हूँ बिकॉज जीके हम लोग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 2 क्लासेस दिन की लगा लूंगी जिसमें 12 बजे हम साइंस कर लेंगे, ठीक है, और 7 बजे हम लोग क्या कर लेंगे, 7 बजे अप्रोक्सीमेटली 7:15 पर कंप्यूटर। अब मुझे ये बताओ और नहीं तो 12 बजे अगर हम जीके करते हैं तो फिर साइंस हम संडे को मैराथन लेंगे, पहले प्लीज मुझे सजेशन दे दो। हाँ सारे ही टॉपिक्स होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले मुझे सजेशन दो फिर जाओ। साइंस सिर्फ संडे को रखें या रेगुलर रखें। कल का टॉपिक भी यही है, 21 जनवरी को है, आई नो 21 जनवरी को, हाँ 21 जनवरी को ही आइए का पेपर। बिल्कुल डोंट वरी आपको क्लासेस बहुत सारी मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड।
चलिए मुझे आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। संडे ठीक है, साइंस संडे को रखते हैं सिर्फ। देखिए जो आपका कंप्यूटर का नेक्स्ट क्लास होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर देना तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से। बाय बाय।